हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट वीडियो में आपने देखा कंपास सर्वेइंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और कंपास सर्वेइंग में हमने पढ़ा मेरिडियंस एंड बेरिंग्स के बारे में। वहां मैंने आपको मेरिडियंस के बारे में पहले बताया, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद मैंने उनसे रिलेटेड बेयरिंग्स के बारे में बताया कि बेयरिंग्स किसे कहते हैं। सो दैट इज द एंगल बिटवीन एनी लाइन एंड मैग्नेटिक बेयरिंग एंड ट्रू बेयरिंग। जैसा अगर मैग्नेटिक मेरिडियन का और एंगल लाइन के बीच का एंगल है तो आपका मैग्नेटिक बेयरिंग होगा, और अगर ट्रू मेरिडियन और लाइन के बीच का एंगल है तो आपका ट्रू बेयरिंग हो गया। उसके बाद हमने वहाँ पर देखा था आर्बिट्रेरी मेरिडियन हम किसे कहते हैं एंड ग्रिड मेरिडियन। सो ये सारे पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंपास सर्वे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कंपास सर्वेइंग में और भी पॉइंट्स हैं जो उसके फीचर्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। तो पहले मैंने आपको जो 6 पॉइंट्स बताए थे, दो 6 पॉइंट दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देम लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से रेज हो सकते हैं। मैंने बोला वो डेफिनेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, उनके वैल्यू से रिलेटेड पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा और फर्दर पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 6 तक हमने डिस्कस किया था, 7th पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपके टॉपिक्स आएंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हम लोग देखेंगे, फोर बियरिंग बैक बियरिंग क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है हमारा। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे, और इससे भी क्वेश्चंस आपके रेज होते हैं। तो चेन सर्वेइंग में भी हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखे। एक्चुअली वो डेफिनेशंस वो पॉइंट्स से उसके क्वेश्चंस बनते हैं वैसे, इसलिए उसे वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहे और आपके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट आज स्टार्ट करेंगे, एंड द नेक्स्ट दैट अप टू 6 हम लोगों ने बता रखा है, 7th पॉइंट। सो 7th पॉइंट इज डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग, डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। बियरिंग के बारे में मैंने आपको क्या बोला, बियरिंग के बारे में बोला एंगल बिटवीन एनी लाइन एंड मेरिडियन। अगर वो ट्रू बियरिंग के लिए है तो वो ट्रू मेरिडियन और लाइन का एंगल होगा, अगर वो मैग्नेटिक बियरिंग है तो मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच का एंगल होगा। तो ये बियरिंग को हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, मीन्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम उसका क्या रिप्रेजेंटेशन का उसके मेथड होंगे। तो बेसिकली टू मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, फर्स्ट वन इज होल सर्कल बियरिंग एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग। तो ये दो डेजिग्नेशन या डेजिग्नेशन का मतलब होता है उसे किस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। अगर हमें बियरिंग्स को शो करना है तो हम किस एंगल्स में किस फॉर्म में शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारा डेजिग्नेशन है। सो देर आर टू मेथड, फर्स्ट वन इज होल सर्कल बियरिंग एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। सो फर्स्ट आई विल राइट द नेम, there are two ways, for representing bearings। तो bearings को हम लोग दो method से represent कर सकते हैं, क्या क्या हैं वो। first one whole circle bearing, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। इसे हम लोग WCB भी बोलते हैं, दैट इज होल सर्कल बियरिंग। एंड नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, दैट इज QB। तो दो मेथड है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो ये होल सर्कल बियरिंग सिस्टम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, दैट इज WCB सिस्टम। तो WCB सिस्टम हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल, फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। तो जो नॉर्दर्न डायरेक्शन है वहां से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और 0 to 360 degree रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट मैं इसका नाम पॉइंट लिखता हूं, इफ बेयरिंग इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम रिप्रेजेंटेड बाय मूविंग इन clockwise direction, by moving in clockwise direction,
from North Pole such system is known as WCB. तो अगर हमने क्या बोला, नॉर्थ पोल से हम स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो हमारा कौन सा सिस्टम होगा? WCB, दैट इज होल सर्कल बियरिंग सिस्टम. उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये लाइन है आपका, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है. क्योंकि ये लाइन मैंने क्यों ड्रा किया, मैंने आपको क्या बोला, हम लोग बेयरिंग के बारे में जान रहे हैं. और बेयरिंग एक्चुअली होता क्या है, बेयरिंग आपका होता है एंगल बिटवीन इलिनॉइल एंड मेरिडियन. तो मेरिडियन और लाइन के बीच का एंगल ही बेयरिंग होता है. तो ये आपका लाइन है. तो यहाँ फर्स्ट वन, इसे हमने नॉर्थ डायरेक्शन बोला, क्लॉकवाइज हम लोग मूव करेंगे. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन्स ये डायरेक्शन हमारा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो फर्स्ट वन इज दिस, दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा वन, ये आपका पहला लाइन है, दैट इज थीटा वन. नेक्स्ट इज दिस वन इज थीटा टू, नेक्स्ट वन इज दिस इज थीटा थ्री, एंड लास्ट वन इज दैट इज थीटा फोर. तो यहाँ आपने देखा हम लोग सारा काउंटिंग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं बेयरिंग का, वो नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं. तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट ये हमारा होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम है. और होल सर्कल बेयरिंग में वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज, इन अ क्लॉकवाइज वे. तो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज वे में, क्लॉकवाइज मेथड फॉर्म करेंगे. तो ये आपका फर्स्ट था, फर्स्ट एंगल के लिए थीटा वन मैंने लिखा, सेकंड एंगल थीटा टू है आपका, थर्ड एंगल थीटा थ्री, एंड फोर्थ वन इज थीटा फोर. तो ये आपका जो सिस्टम है, अगर इस सिस्टम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दिस सिस्टम इज नोन एज होल सर्कल बियरिंग सिस्टम. होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट है 90 टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री टू 270, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज 270 टू 360 डिग्री. तो ये आपका कंप्लीटली 0 डिग्री से 360 डिग्री तक डील करता है. इस सिस्टम में हम लोग बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग सिस्टम. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम द बियरिंग एंगल्स कैन बी 0 टू 360 डिग्री, 0 टू 180 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री और नन ऑफ द अबव. तो वहाँ पे आपका आंसर होगा 0 टू 360 डिग्री, क्योंकि हमने चारों क्वाड्रेंट में डील किया है. हम हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो आपका 0 डिग्री से 360 डिग्री, ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपका है 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हम इसमें वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे. ये पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ इन WCB सिस्टम. In WCB system, bearing angles can be, bearing angles is between 0 degree to 360 degree. तो यहाँ आपका वैल्यू 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है. और ये सिस्टम हमारा कौन सा है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम. द नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम. क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम. तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हम क्वाड्रेंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट. तो क्वाड्रेंट हमारा कैसा रहेगा, क्वाड्रेंट हम किसे बोलते हैं, आपने अपने ज्योमेट्री पार्ट में पढ़ा होगा, अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा आपने. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे मैंने जब भी रिप्रेजेंट किया डायरेक्टली 0 टू 360 डिग्री में, अगर यहाँ पे कोई लाइन है हम बोल देंगे इसका 180 डिग्री से 290 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, मीन्स वो 170 डिग्री हो सकता है, 135 डिग्री हो सकता है. तो एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन रहता है. वहाँ पे हम क्वाड्रेंट के बारे में नहीं बताते हैं. हमने ऐसा नहीं बोला कि क्वाड्रेंट के बारे में, ये नहीं बोला कि ये नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ईस्ट है. डायरेक्टली हमने बोला कि 135 डिग्री है. 135 डिग्री का मतलब हम खुद से समझ जाएंगे कि वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 डिग्री टू 180 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है.
बट क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में आप एब्सोल्यूट यूनिट में प्रेजेंट नहीं करते हो, आप जब भी उसे प्रेजेंट करोगे वो 0 से 90 डिग्री के बीच में न्यूमेरिकल वैल्यू होगा एंड इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग विथ इट्स क्वाड्रेंट। तो वहाँ 0 से यहाँ होल सर्कल बियरिंग आपने देखा 0 से 360 तक हो रहा है, यहाँ आपने देखा 0 टू 360 डिग्री है, बट क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में आपका 0 टू 90 डिग्री होगा एंड प्लस वहाँ पे आपको क्वाड्रेंट भी मेंशन करना होगा। सो फर्स्ट विल राइट पॉइंट अबाउट दिस, इन दिस सिस्टम bearing is calculated from north or south in clockwise or anti-clockwise direction towards east or west। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम मैंने बोला यहां पे बियरिंग आप कैलकुलेट करोगे नॉर्थ या साउथ आप किसी डायरेक्शन से। होल सर्कल बियरिंग में हमने सिर्फ नॉर्थ से स्टार्ट किया था, बट क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में आप नॉर्थ से भी स्टार्ट कर सकते हो, साउथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। बस हमें यह देखना है कि वहां नियरेस्ट एंगल किससे फॉर्म किया जा सकता है, वो हम इसके बारे में ऐसे प्रेजेंट करेंगे। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लाइन हमने यहां फॉर्म किया। अब यहां देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने बोला नॉर्थ डायरेक्शन से भी मूव कर सकते हैं, साउथ डायरेक्शन से भी मूव कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, बट हमारा फोकस ये रहेगा जो सबसे नियरर एंगल्स हो, सबसे नियरेस्ट एंगल कौन सा फॉर्म हो सकता है उसके बारे में। तो इस एंगल से सबसे नियरेस्ट आपका कौन सा हो सकता है, ये नॉर्थ से हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दिस वन इज थीटा वन, ये सेम एज जैसे हमने होल सर्कल बियरिंग में किया। बट अब आप देखो यहाँ पे इस लाइन के बारे में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ नॉर्थ से क्लॉकवाइज आएंगे वो हमारे लिए लार्जर एंगल होगा, वो हमारे लिए नियरर नहीं होगा, वो हमसे ज़्यादा दूर होगा, तो हम साउथ डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गए, ये आपका थीटा टू हो गया। डिफरेंस आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जब भी स्टार्ट किया था नॉर्दर्न डायरेक्शन से किया था और हमेशा क्लॉकवाइज वे में मूव करेंगे, बट यहाँ फर्स्ट वाले के लिए तो हमने सेम किया, बट सेकंड वाले के लिए हमने साउथ से स्टार्ट किया और इस डायरेक्शन में मूव करके एंटी क्लॉकवाइज वे में। सिमिलरली इसके लिए आप कैसे करोगे, ये आपका क्लॉकवाइज होगा साउथ से एंड दिस वन इज थीटा थ्री। तो ये दोनों एंगल आप देख रहे हो साउदर्न डायरेक्शन से, साउदर्न पोल से आपका ज़्यादा नियर अबाउट है, इसलिए हमने इसका कैलकुलेशन साउथ से किया। तो ये थीटा टू और थीटा थ्री साउथ से स्टार्ट होगा। फोर्थ वन अगेन ये सबसे नियर है आपका, सो थीटा फोर। तो आपने यहाँ देखा हमने यहाँ पे नॉर्थ से स्टार्ट किया बट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों लिया, साउथ से भी हमने स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों लिया। सो सच काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, उसके नाम में ही उसका मतलब है, क्वाड्रेंटल बियरिंग मीन्स क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आप एब्सोल्यूट टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, डायरेक्टली आप बोल सकते हो 135 डिग्री 145 डिग्री, बट वहाँ आप 90 डिग्री से बियॉन्ड नहीं जा सकते हो क्योंकि आपने क्वाड्रेंट फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा नॉर्थ थीटा वन ईस्ट, सेकंड हो जाएगा साउथ थीटा टू ईस्ट, थर्ड वन इज साउथ थीटा थ्री वेस्ट एंड फोर्थ वन इज नॉर्थ थीटा फोर वेस्ट। तो जिन दो डायरेक्शन के बीच में वो क्वाड्रेंट है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा और बीच में हमारा एंगल रहेगा, मींस 0 से 90 डिग्री है तो ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में कि 30 डिग्री, अगर सिर्फ 30 डिग्री बोलेंगे आप तो इमेजिन किया जाएगा कि 30 डिग्री आपका होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में है, बट अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में उसी चीज़ को बोलना है, उस एंगल को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर बोलेंगे नॉर्थ थीटा वन ईस्ट, मीन्स नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब होगा कि आपका जो बियरिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
30 डिग्री आपके ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि सारे क्वाड्रेंट में मैंने बोला वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही वेरी करेगा। तो वहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है? वो हमें पता चलेगा इस डायरेक्शन, मैंने बोला दो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर पाओगे कि आपका कौन से क्वाड्रेंट में है। वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछ लेंगे नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा। यूजुअली क्या होता है, 30 डिग्री जैसे ही दिमाग में आता है आपने आंसर वहां कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 30 डिग्री आप जानते हैं 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। बट यहाँ पे वो नॉर्थ और वेस्ट उसने पूछा है, इट मींस वो आपसे होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में नहीं पूछ रहा है, वो आपसे क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में पूछ रहा है। और नॉर्थ और वेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर उसने नॉर्थ और ईस्ट पूछा होता तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता। आपको वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज पर फोकस नहीं करना है, आपका फोकस रहेगा कि वो कौन दो डायरेक्शन, किस दो डायरेक्शन की बात कर रहा है। अगर उसने नॉर्थ वेस्ट बोला वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, अगर उसने साउथ वेस्ट बोल दिया तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो ये डिफरेंस है आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में और होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में। इसे प्रॉपरली आप समझेंगे, मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर उन्होंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछने हैं तो भी वो पूछेंगे होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम से। अगर उन्होंने थ्योरी क्वेश्चंस बनाने हैं तो भी वो पूछ लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं होल सर्कल बियरिंग में। तो आपको पता है होल सर्कल बियरिंग में हम सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही फॉलो कर सकते हैं, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों फॉलो कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन से ले सकते हैं हमारे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ये हमारा डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग था। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस्ड बियरिंग। ये रिड्यूस्ड बियरिंग क्या है वहां मैं आपको बताऊंगा। ये होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम से रिलेटेड टर्म है। वो जब आपने होल सर्कल बियरिंग सिस्टम को क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया तो लास्ट में आपका जो बियरिंग के वैल्यूज आए उसे हम रिड्यूस्ड बियरिंग बोलते हैं। सो व्हेन वी कन्वर्ट होल सर्कल बियरिंग इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग दैट इज नोन एज रिड्यूस्ड बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग में अगर मैंने बोला आपको 45 डिग्री, तो 45 डिग्री होल सर्कल बियरिंग को आप क्वाड्रेंट बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे? 45 डिग्री यहां भी है तो वहां भी 45। ये 45 डिग्री मीन्स क्या होगा होल सर्कल बियरिंग में, कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहां हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज होते हैं 0 से 90 तक, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर 45 डिग्री मैंने यहां बोला तो उसको अगर आपने वहां कन्वर्ट करना है तो 45 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। यहां क्वाड्रेंट हम इससे डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा होल सर्कल बियरिंग अगर, और उसने लिख रखा है द होल सर्कल बियरिंग वैल्यू 45 डिग्री, तो इट मींस कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आपको इसे क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, तो 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस तो ये वैल्यू तो 45 डिग्री ही होगा, बट यहां पे क्या आप लिखोगे नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। तो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम का जो 45 डिग्री था वो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है आपका नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट हो गया। बट अब दूसरा एग्जांपल लो, अगर मैंने बोला होल सर्कल बियरिंग में 135 डिग्री है, 135 डिग्री है, और वो आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे होगा? वो क्वाड्रेंटल बियरिंग में यहाँ 135 डिग्री मींस सेकंड क्वाड्रेंट, बट यहाँ तो आपको 0 से 90 में रिप्रेजेंट करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट से आपको ये तो पता चल गया कि जो हमारा डायरेक्शन होगा वो साउथ और ईस्ट होगा, बट वैल्यू आप क्या लिखोगे? 135 डिग्री लिखोगे? नहीं, क्योंकि 0 से 90 डिग्री ही होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा तो आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में। तो उसके लिए हम रिड्यूस्ड बियरिंग में बताएंगे कि उसके यूजेस क्या होते हैं, कि यहाँ पर जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो आपको 180 डिग्री में से होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू माइनस करनी होती है। तो 135 डिग्री अगर मैंने बोला तो 180 डिग्री में से 135 आप माइनस करोगे, आपका आएगा 45 डिग्री, और आंसर आपका हो जाएगा साउथ 45 डिग्री ईस्ट, विच विल बी इक्वल टू 135 डिग्री ऑफ होल सर्कल बियरिंग। तो ये जो आप होल सर्कल बियरिंग को प्रेजेंट कर रहे हो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, जो फाइनल बियरिंग आपका आंसर आया वो आपका रिड्यूस्ड बियरिंग कहलाता है, रिड्यूस्ड बियरिंग। तो वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वहां मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सो ये वाला पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझे, इसलिए मैं होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम आपको बहुत प्रॉपरली बार बार बता रहा हूँ, फिगर बना के भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रॉपरली नहीं समझ पाए तो आपके न्यूमेरिकल्स कभी भी इससे सही नहीं होंगे, क्योंकि आप हमेशा डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर बैठोगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस्ड बियरिंग
तो रिड्यूस बेयरिंग के बारे में मैंने आपको क्या बोला, व्हेन होल सर्कल बेयरिंग इज कन्वर्टेड टू क्वाड्रेंटल बेयरिंग, व्हेन होल सर्कल बेयरिंग इज कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेंटल बेयरिंग, ये क्यूबी में शॉर्ट में बोल रहा हूं क्वाड्रेंटल बेयरिंग, देन द बेयरिंग इज नोन एज रिड्यूस्ड बेयरिंग, तो रिड्यूस्ड बेयरिंग के बारे में हमने क्या बोला आपको, जब आप होल सर्कल बेयरिंग को उसकी वैल्यूज को बेयरिंग की वैल्यू को आप कन्वर्ट करोगे क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में, तब जो आपका वैल्यू अटेन हुआ, आपने जो वैल्यू फाइंड किया एट लास्ट, दैट इज नोन एज रिड्यूस्ड बेयरिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, WCB इज कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेंटल, तो बेयरिंग इज नोन एज रिड्यूस्ड बेयरिंग। आपने WCB को जब कन्वर्ट किया क्वाड्रेंटल बेयरिंग में, तो जो आपका बेयरिंग का वैल्यू निकल का है वो रिड्यूस्ड बेयरिंग है, वो आपका रिड्यूस्ड बेयरिंग है। होल सर्कल बेयरिंग हमने 0 से 360 डिग्री रिप्रेजेंट किया, और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हमने क्या बोला, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 0 से 360 डिग्री होगा। अब आप देखो कि आप कन्वर्ट कैसे करते हो, सो विल एक्सप्लेन हियर WCB क्वाड्रेंटल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंट। जीरो डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री, एंड 270 डिग्री टू 360 डिग्री। मैंने आपको बोला तो होल सर्कल बेयरिंग हम 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ले सकते हैं, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ले सकते हैं। अब क्वाड्रेंटल बेयरिंग में इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ये पॉइंट आप प्रॉपरली समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से रेज होगा। अगर वैल्यू WCB की, इफ द वैल्यू ऑफ WCB इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन क्वाड्रेंटल बेयरिंग विल बी इक्वल टू WCB इक्वल टू QB। 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर WCB की वैल्यू है तो उस केस में आपका WCB और क्वाड्रेंटल बेयरिंग सेम होगा, बट क्वाड्रेंट नेम क्या होगा आपका, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पोर्शन नॉर्थ ईस्ट। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में WCB की वैल्यू होती है तो हमारा होल सर्कल बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, बस हमने यहाँ क्वाड्रेंट लगा देना है। अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल अब आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बोला सेम है तो WCB और QB सेम होगी, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इफ WCB इक्वल टू 80 डिग्री, WCB अगर आपका 80 डिग्री है, अब आपने इसे क्वाड्रेंटल बेयरिंग में इसका वैल्यू बतानी है, तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग इक्वल टू क्या होगा, WCB इक्वल टू क्वाड्रेंटल बेयरिंग, सो वैल्यू विल बी 80 डिग्री ओनली, बट यहां पे हमें रिप्रेजेंट क्या करना है क्वाड्रेंट में, एंड क्वाड्रेंट इज नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट, ये आपका क्वाड्रेंटल बेयरिंग हो गया। इट वॉज सो सिंपल, बहुत सिंपल है ये, बस आपने ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा क्वाड्रेंटल बेयरिंग का क्या वैल्यू होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हमारी क्वाड्रेंटल बेयरिंग की क्या वैल्यू होगी, और ये जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग आप फाइंड कर रहे हो ये आपका एक्चुअली रिड्यूस्ड बेयरिंग है, यहाँ पे जो आपने फाइंड किया वो आपका रिड्यूस्ड बेयरिंग हो गया। तो अगर आपका WCB 80 डिग्री था तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग भी आपका 80 डिग्री होगा, बट वी विल रिप्रेजेंट इट एज नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट, सो दिस मीन्स नॉर्थ एंड ईस्ट मीन्स इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, 90 टू 180 डिग्री के बीच में अगर है तो यहां पे क्वाड्रेंटल बेयरिंग आपका होगा 180 डिग्री माइनस WCB, और क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट। अगर वैल्यू हमने WCB की 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में दे रखी है तो वहां पे आपके क्वाड्रेंटल बेयरिंग की जो वैल्यू होगी, जो रिड्यूस बेयरिंग आप फाइंड कर रहे हो उसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस WCB की जो भी वैल्यू दे रखी है
उसमें 180 डिग्री हम माइनस में 180 डिग्री में उसे वैल्यू को माइनस करेंगे और फाइनली जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसे हम साउथ और ईस्ट के बीच में मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, नेक्स्ट ये फर्स्ट एग्जांपल था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये मैं इसके साइड बाय साइड लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। सो सेकंड वन इज इफ WCB इज 140 डिग्री देन क्वाड्रेंटल बेयरिंग विल बी, WCB आपका 140 डिग्री है इट मींस ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में, और 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में अगर वैल्यू है WCB की तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग की फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेंटल बेयरिंग के लिए, 180 डिग्री माइनस WCB। सो WCB 140 डिग्री है एंड 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। बट इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, साउथ ईस्ट, सो साउथ 40 ईस्ट, साउथ 40 डिग्री ईस्ट। सो ये आपका सेकंड एग्जांपल था। थर्ड वन, इफ WCB की वैल्यू अगर 180 से 270 के बीच में है उस सेंस में आपका क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम क्या होगा, तब आपका क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम होगा WCB माइनस 180 डिग्री। ये दो पॉइंट को आप फोकस करेंगे। सेकंड केस में 180 डिग्री में से WCB माइनस किया, बट अगर WCB की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है और 270 से कम है उस केस में हम WCB माइनस 180 करेंगे, WCB माइनस 180 करेंगे और ये जो क्वाड्रेंट होगा हमारा साउथ वेस्ट, इसका एग्जांपल आप लोग देखो यहां पे, इफ WCB इक्वल टू 210 डिग्री, WCB की वैल्यू 210 है और क्वाड्रेंटल बेयरिंग की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो मैंने बोला 210 आपका किस रेंज में आएगा, 180 टू 270, तो इस रेंज में क्वाड्रेंटल बेयरिंग या रिड्यूस्ड बेयरिंग की क्या फॉर्मूला होगी आपके लिए, WCB माइनस 180 डिग्री, WCB 210 है 180 डिग्री आपने माइनस करना है, सो 210 माइनस 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री और क्वाड्रेंट आपका कौन सा है साउथ वेस्ट, सो साउथ 30 डिग्री वेस्ट, ये आपका थर्ड टाइप हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हुआ। द लास्ट वन इज इफ इट इज बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, तो यहां पे आपका वैल्यू क्या होगा, 360 डिग्री माइनस WCB, 360 डिग्री माइनस WCB। एग्जांपल आप देखो यहां पे, ये वैल्यू अगर मैंने बोल दिया WCB, इफ WCB इज 290 डिग्री, तो 290 डिग्री मींस 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, क्योंकि 360 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, कंप्लीट सर्कल विल फॉर्म 360 डिग्री ओनली, सो 270 से ज्यादा 290, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 360 डिग्री माइनस WCB, सो 360 डिग्री माइनस WCB, और यहाँ पर 360 डिग्री में आप 290 डिग्री माइनस करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 70 डिग्री एंड द क्वाड्रेंट इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सो आंसर विल बी नॉर्थ 70 डिग्री वेस्ट। ये आपका चार जो फॉर्म हुआ ये आपने प्रॉपरली रिमेंबर रखना है, प्रॉपरली याद रखना है, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स के पूछे जाएंगे वो इस वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। आपको होल सर्कल बेयरिंग का ध्यान रखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग या रिड्यूस्ड बेयरिंग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा। ये क्वाड्रेंट तो आपको पता हुआ, आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट है, सेकंड में साउथ ईस्ट जा रहे हैं, थर्ड साउथ वेस्ट एंड फोर्थ इज नॉर्थ वेस्ट। बट हेयर यू हैव टू रिमेंबर कि अगर 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो 180 डिग्री में से हम WCB माइनस करेंगे, बट 180 डिग्री से ज़्यादा है और 270 से कम है उस केस में हम क्या करेंगे, WCB से ही 180 डिग्री माइनस करेंगे, और अगर 270 से 360 है तो उस केस में फिर से हम 360 डिग्री में से WCB माइनस करेंगे। क्वाड्रेंट आपने ध्यान रखा और ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। सो दिस फाइनल वैल्यू दैट इज व्हेन वी आर कन्वर्टिंग WCB इन क्वाड्रेंटल बेयरिंग इज नोन एज रिड्यूस्ड बेयरिंग। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको चार फॉर्म याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपके न्यूमेरिकल्स के आएंगे तो वो यहीं से पूछेंगे, वो WCB की वैल्यू दे देंगे, क्वाड्रेंटल बेयरिंग पूछ लेंगे, या फिर क्वाड्रेंटल बेयरिंग की वैल्यू दे देंगे और आपको वहां से WCB निकालना है, बट मोस्टली वो WCB से क्वाड्रेंटल बेयरिंग फाइंड करने को देंगे। तो ये आपके जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आप प्रॉपरली रिमेंबर रखना। मैं यहाँ पे स्टार मार्क मेंशन कर रहा हूँ, इट मीन्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आपके यहाँ से रेज होंगे, और इसका यूज़ क्या आएगा वो मैं फर्दर आपको लोकल अट्रैक्शन में भी बताऊँगा, लोकल अट्रैक्शन में भी मैं बताऊँगा कि इसका पर्टिकुलर यूज़ हम कैसे करते हैं।
ये हमारा था रिड्यूस्ड बेयरिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लिनेशन से मैं पहले आपको बताऊंगा फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग के बारे में. फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, सो ये बेयरिंग सिस्टम आपको प्रॉपरली रिमेंबर रखना है और उसे हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, उसके फॉर्म को कैसे चेंज किया, ये आपका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट नंबर 9, आई थिंक इट इज फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग. फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, तो ये फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग आपका क्या है? फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग क्या है? हमने अभी तक देखा मैग्नेटिक बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग, फिर हमने बेयरिंग सिस्टम देखे, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम. वहां मैंने आपको काफी एलैबोरेट वे में समझाया उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने आपके और उस पॉइंट्स को आप कैसे देखोगे. सो नेक्स्ट वन इज फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग. फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग के बारे में हम लोग बताएंगे, ये फोर बेयरिंग और आपका बैक बेयरिंग क्या है. जब आपका सर्वे वर्क फ्रंट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, जिस प्रोजेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका सर्वे वर्क कैरी आउट आप कर रहे हो, उस डायरेक्शन में अगर हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, साइट करेंगे, तो वो हमारा फोर बेयरिंग होगा. बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमने साइट किया तो वो हमारा बैक बेयरिंग होगा. इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जाम्पल देके और प्रॉपरली इसका डायग्राम बना के ये फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग क्या है. क्योंकि ये फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग और प्लस जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे वहां से आपका लोकल अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. और लोकल अट्रैक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कंपास सर्वेइंग है. तो ये कंपास सर्वेइंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मान सकते हो वो हमारा कौन सा है, दैट इज बेयरिंग, दैट इज लोकल अट्रैक्शन. और लोकल अट्रैक्शन को समझने के लिए हमें पहले प्रॉपरली जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया, होल सर्कल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम, और उसे रिड्यूस्ड बेयरिंग में आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, प्लस जब हम फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्रॉपरली, तो आपका लोकल अट्रैक्शन वाला टॉपिक ओवर होगा और लोकल अट्रैक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. मैंने आपको होल सर्कल बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग क्यों बार बार बोला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आपके लोकल अट्रैक्शन से डायरेक्ट पूछेंगे या फिर डायरेक्टली होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम से पूछेंगे. बट दोनों ही केस में आपका होल सर्कल बेयरिंग और रिड्यूस्ड बेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोकल अट्रैक्शन के क्वेश्चंस को भी तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको क्वाड्रेंटल और होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम प्रॉपरली आपको क्लियर नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट आपने कैसे कन्वर्ट किया, क्वाड्रेंट सिस्टम हमारा क्या होगा, वो वैल्यूज हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में जानेंगे, अगोनिक आइसोगोनिक लाइंस के बारे में जानेंगे, वेरिएशंस के बारे में जानेंगे, एंड एट लास्ट हम लोग देखेंगे लोकल अट्रैक्शन, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कंपास ट्रैवर्सिंग. थैंक यू.